अस्सलाम वालेकुम। तो टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम जा रहे हैं कराची से दोहा। इमिग्रेशन हो गई और ये वाटरफॉल देख लीजिए, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है इन्होंने कराची एयरपोर्ट पे। और हम लोग फाइनल चेक की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा फाइनल फुल कंप्लीट बॉडी चेक होगा। ये आपका CIP लॉन्च, ज़बरदस्ती पेंटिंग। और जी हम जा रहे हैं कतर दोहा और हमारा जहाज आ गया। बोर्डिंग तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद होगी। रोज़ा है तो कुछ खा पी नहीं सकते आप, और सफाई सुथराई का काम जारी है। बोर्डिंग शुरू हो गई हमारी। अब हम चले अपने सीट पे बैठने। फ्लाइट तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 45 मिनट की होती है, तो हमने सोचा कि रोज़ा छोड़ना फजूल है। रनवे की तरफ चलते हुए पहुंचने वाले हैं रनवे पे। जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा जहाज़ टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएगा। और जनाब ग्रीन सिग्नल मिल गया और ये टेक ऑफ शुरू। खुदा हाफिज कराची, दुआओं में याद रखिएगा। कितना प्यारा लग रहा है ना कराची। शशके चेक करें आप। जो जी दोहा पहुंच गए हम लोग, और वो सामने है जुनूब स्टेडियम जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर के करीब है ये। और पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। स्मूथ लैंडिंग थी भाई। जिन हजरात के साथ उनके वालिद वालदा ट्रेवल कर रहे हों, वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि व्हील चेयर एयरलाइन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो आप जो है वो टिकट ख़रीदते वक्त उसके ऊपर मेंशन करवा दें कि व्हील चेयर चाहिए, तो वो आपके लिए व्हील चेयर गेट पर ही अरेंज कर देंगे। और अब हम चलेंगे बैगेज क्लेम की तरफ, और अभी आपको सामने से ट्रेन आती भी दिखेगी। डिपार्चर वालों के लिए ये ट्रेन होती है, अगर आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना है तो। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है। दुबई एयरपोर्ट से कंपेयर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स बने हुए हैं और प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत की हुई है। और जब आप डिपार्चर के लिए जाते हैं तो ये भालू बहुत मशहूर है यहाँ का। ये जिन्होंने बनाया उनका नाम मेंशन कर दूंगा। अजान का वक्त शुरू हो गया, ज़ोहर की अजान हो रही है यहाँ पे। कैब बुक करवा ली है मैंने, और अब हम चले अपने घर। अपने घर की तरफ गामजन है हम दोहा से अलवकरा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद कीजिए। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अल्लाह हाफिज़।